नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ फिर से बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके हाजिर हो गई हूं। होप करती हूं आपको पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आज आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इस टिप के बारे में पता चले और अपने घर के सारे काम बहुत आसानी से निपटा सकें। साथ ही साथ अपने लिए ढेर सारा समय बचाएं और बचाएं ढेर सारे पैसे। तो चलिए बिना देर करे हुए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आज की सबसे खास और पहली टिप। ये टिप है हमारी हैवी कपड़ों को लेके। जैसे कि हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं या फिर कोई भी हमारे घर में शादी फंक्शन कुछ भी होता है ना, तो इस तरह के हम कपड़े वेयर करते हैं। इस तरह के कपड़े पहन तो लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है, एक तो जब हम बैग पैक करते हैं तो इनको लेके जाने में दिक्कत आती है, और जब हम वहाँ पे ये कपड़े पहनते हैं उसके बाद ड्राई क्लीन का टेंशन, इनको कैसे संभाल के रखें, इस चीज का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो आज आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व करने के लिए आपकी पूनम आ गई है। सबसे पहले तो आपको कपड़े फोल्ड कैसे करने हैं आप वो देख लें। अगर आप इन कपड़ों को कहीं आने जाने में लेके जा रहे हैं या फिर लंबे टाइम के लिए ब्रीफकेस में भर के रख रहे हैं, साल दो साल के लिए भी आराम से रख देंगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ना तो इन कपड़ों में कीड़े लगेंगे, ना ही आएगी बदबू और ना ही इनकी फोल्ड खराब होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्रॉप टॉप को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये तो नेट का सिंपल सा क्रॉप टॉप था। इसके साथ हमारे पास होते हैं जरी वाले लहंगे, जरी वाली साड़ियाँ। ये तब तक सुंदर लगती हैं जब तक इनके जरी में साइन होती है। अगर जरी की साइन खत्म हो गई तो फिर लहंगा साड़ी पहनने का मन ही नहीं करता, बेकार पड़े रहते हैं। तो आज आपको मैं इनके रख रखाव का और इनमें कीड़े ना लगे या फिर इनको किस तरह से हम फोल्ड करेंगे, किस तरह से बैग पैक करेंगे, सारे तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हमको जरी की साड़ी हो या फिर जरी का लहंगा, इसको इसी तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये लहंगा मैंने ले लिया और इसको इस तरह से पूरा लंबा बिछा लेंगे। इस तरह आप किसी कारपेट वगैरह में बिछा लें या फिर अपने बेड में रख सकते हैं, जिससे कि बहुत आसानी से फोल्ड हो जाए, फोल्ड होने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखिए, मैंने लहंगा को इस तरह से फैला दिया है। देखिए, चारों तरफ से हमको हाथ के हेल्प से इस तरह से फैला देना है। अब हमको लेना है घर में रखा हुआ न्यूज़पेपर। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर जरूर रखना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक ऐसी इंक होती है जिससे कि हमारे कपड़े लंबे टाइम तक सुरक्षित रहते हैं, साथ ही साथ कपड़ों में स्मेल नहीं आती। कपड़ों में जो छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं ना बारिश के मौसम में, तो बहुत ही ज्यादा कपड़े गंदे स्मेल मारने लगते हैं, कीड़े हो जाते हैं। उस टाइम पे अगर आप न्यूज़पेपर लगा के रखते ना तो कपड़े कभी भी खराब नहीं होंगे। और अगर आप स्टार्टिंग में ही न्यूज़पेपर लगा के रख देते हैं तब तो बीच में न्यूज़पेपर लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप दो साल तक भी अगर ब्रीफकेस को नहीं खोलते हैं तब भी कपड़े खराब नहीं होते हैं। तो देखिए, इस तरह से बीच बीच में न्यूज़पेपर लगाते हुए हमको कपड़ों को फोल्ड करना है। ये देखिए, परफेक्ट फोल्ड करने का तरीका आप देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। बीच बीच में मैं देखिए न्यूज़पेपर लगा रही हूँ और ये परफेक्ट लहंगा हमारा फोल्ड हो गया ना, एकदम मार्केट जैसा फोल्ड। और आपने देखा होगा कई बार जब हम ड्राई क्लीन करवाते हैं तो वहां से जब कपड़े आते हैं तो उसके बीच में आपको न्यूज़पेपर मिलता होगा, तो उससे यही होता है कि हमारे कपड़े बहुत ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, लंबे टाइम तक सिक्योर रहते हैं, उनमें स्मेल वगैरह नहीं आती है। अब हमको कपड़े रखने कैसे हैं, तो मैंने ब्रीफकेस लिया, इसके नीचे एक न्यूज़पेपर डाला और इस तरह से कपड़े जमाते गए, उसके ऊपर न्यूज़पेपर की एक लेयर लगाते गए। और ये न्यूज़पेपर लगाने से आप इस ब्रीफकेस को अगर दो साल तक भी नहीं खोलते ना तो इनमें कीड़े पड़ने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है। लेकिन अब हम इसमें एक ऐसी चीज डालेंगे जिससे ना तो आपके कपड़ों में स्मेल आएगी ना ही कीड़े लगेंगे, और वो है हमारे किचन में रखी हुई लौंग। आपको 15 से 20 लौंग लेनी है और ये ब्रीफकेस में इस तरह से डाल देना है, जिससे क्या होगा, लौंग की एक बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू रहती है जो हमारे कपड़ों को तो हार्म नहीं पहुंचाती लेकिन कीड़े नहीं लगने देती। बारिश के मौसम में जो कपड़ों में स्मेल आती है, कीड़े लगते हैं ना, वो प्रॉब्लम लौंग डालने से चुटकियों में खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आप देखिए कितने अच्छे से बैग पैक कर लेंगे। अगर आपको कहीं ट्रेवलिंग में जाना है तो आप इस तरह से बैग पैक करें, इसमें बहुत सारे कपड़े बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। या फिर आपको इस तरह से कपड़ों को फोल्ड करके लंबे टाइम के लिए ब्रीफकेस को कहीं ऊपर चढ़ा देना है, टांड में कहीं अलमारी में, तो सिक्योर कपड़े रखे रहेंगे, खराब नहीं होंगे। तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाया, होप करती हूँ आपको पसंद आया हो। चलिए फटाफट से समर स्पेशल एक टिप देख लेते हैं, और ये भी आपको वीडियो बहुत बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि अभी समर आ गया और समर में हम सब पीते हैं ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, लेकिन हर टाइम बाजार जाना
मुमकिन नहीं होता, इतनी बड़ी मशीन घर में लगा नहीं सकते, गन्ने का जूस घर में बना नहीं सकते, तो फिर हम ऐसा क्या करें कि घर बैठे हमको गन्ने का जूस भी मिल जाए और हमको मार्केट भी ना जाना पड़े। तो चलिए फटाफट से एक छोटी सी टिप है, छोटा सा वीडियो है और इससे हमारा बन जाएगा गन्ने का जूस। सबसे पहले हमको लेना है मिंट की पत्तियाँ। मेरे घर में ही मिंट लगा हुआ है तो मैंने देखिए पुदीने की पत्ती तोड़ ली। इसको हम पहले वॉश कर लेंगे क्योंकि गमले में हम पानी डालते हैं तो पत्तियों में मिट्टी लग जाती है, इसलिए वॉश करना जरूरी है। तो देखिए मैंने सारे पुदीने के पत्ते को धो लिया। अब हमको चाहिए गुड़। हमने ठंड में गुड़ तो बहुत ही खाया और अभी भी हमारे घर में गुड़ रखा हुआ है। अगर नहीं है तो मार्केट से जाके ले आए, गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे मैंने 120 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया। इससे मैं 4 ग्लास गन्ने का जूस बना के तैयार करूंगी और गुड़ गन्ने से ही बनता है तो आपको यहाँ पे गन्ने का ही फ्लेवर आने वाला है। लेकिन हाँ, आपको गुड़ साफ सुथरा लेना है, काला गुड़ या फिर कंकड़ पत्थर वाला गुड़ बिल्कुल भी ना लें। अब हमने गुड़ डाल दिया एक मिक्सी जार में, इसी के साथ हमने डाला काला नमक, सफेद नमक, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर और जो हमने मिंट तोड़ा था ना उसकी पत्तियां धो के रखी थी पत्तियां डाल दी, इसी के साथ एक नींबू का रस। अब हमको लेना है ठंडा ठंडा 3 गिलास पानी और 3 गिलास पानी से यहाँ पे बनके तैयार होगा 4 गिलास गन्ने का जूस, क्योंकि हमने बाकी चीजें भी तो ऐड करी हैं। और ये देखिए हमने थोड़ा सा पीसा, परफेक्ट झाग वाला, वही कलर वही स्वाद, परफेक्ट गन्ने का जूस बनके तैयार हो गया। अब हमको इसमें आइस क्यूब ऐड करनी है क्योंकि गन्ने का जूस जब ठंडा ठंडा पीते ना तभी अच्छा लगता है। आप इसको अपने मन मुताबिक डेकोरेट कर सकते हैं और घर में गेस्ट आए तो उनको जरूर पिलाइएगा, उनको बहुत ज्यादा पसंद तो आएगा ही, साथ ही साथ उनको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आपने गन्ना ऐड ही नहीं किया। आप भी पीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगली टिप है हमारी बच्चों को लेके, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या फिर जो लोगों की पोस्टिंग होती है इधर उधर घर शिफ्ट करते रहते हैं उनको सामान में थोड़ी दिक्कत होती है। और कभी कभी क्या होता है जब हम किचन में जाते हैं तो हमारे पास इस तरह के चिमटा नहीं रहते, अब हम रोटी कैसे बनाएं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ लेके आ गई हूँ। हम सबके घर में इस तरह कांटे होते हैं तो आज बस चिमटा हम इसी से बना लेंगे। हमको क्या करना है, 2 फोर्क इस तरह से आपस में ज्वाइंट करने हैं। इनकी देखिए दोनों इक्वल शेप के हैं, छोटे बड़े बिल्कुल भी नहीं है और हमको रबड़ बैंड से ऊपर से इस तरह से इनको सिक्योर कर देना है। ये देखिए मैंने रबड़ को 3 से 4 फोल्ड कर दिए हैं, ये देखिए परफेक्ट। और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा चिमटा बनके तैयार हो गया। अब आप इससे रोटी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, कोई चीज पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया ना होममेड जुगाड़, हमने अपने किचन में रखे हुए केवल 2 फोर्क से बेहतरीन चिमटा बना के तैयार कर लिया। अब जब आप बाजार जाएं आराम से चिमटा ले आएं, इंस्टेंट आप रोटी इसी से बना लें। तो देखिए बहुत छोटी सी टिप थी, यूजफुल टिप थी, होप करती हूँ ये भी टिप आपको पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अगली यूजफुल टिप देख लेते हैं और ये टिप है हमारी नेल पेंट को लेके। हमारे घर में जब हम नेल पेंट लगाते हैं कई बार गलती से नेल पेंट गिर जाती है जिससे क्या होता है इस तरह से नेल पेंट बाहर निकल जाती है और इनका कैप इतना टाइट चिपक जाता है कि खुलता ही नहीं है, आप खोल खोल के परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये नेल पेंट नहीं खुलने वाली है तो आज हम ऐसा क्या करेंगे जिससे बहुत जल्दी से इसका कैप खुल जाए और हम फटाफट से अपने हाथों में नेल पेंट लगा पाए। तो उसके लिए भी एक छोटा सा जुगाड़ है, हम सबके घर में इस तरह की रबड़ बैंड रहती है या फिर हमारे बच्चों के घर में जब वो कोई भी स्कूल का काम करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं ना उनके पास तो रखी रहती है, तो आप बस वहां से 2 से 3 इस तरह की रबड़ बैंड ले लें। जितनी भी आपकी इस तरह की बोतल है ना नेल पेंट की जिनके कैप टाइट हो गए हैं तो बस आपको इस तरह से कैप में ये रबड़ लगा देनी है। जहां से आपने रबड़ लगाया उसी जगह से पकड़ के इस तरह से जब आप कैप को खोलेंगे बहुत इजीली कैप खुल जाएगा। कितना भी ये देखिए कैप टाइट बंद हो या फिर खुल ना रहा हो बस एक रबड़ बैंड से आपके नेल पेंट आराम से खुल जाएगी। ये देखिए अभी ये खुल नहीं रहा था, मैं कैप खोल के दिखा रही थी। ये छोटी सी टिप थी लेकिन यूजफुल टिप है, आजमाइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, अगर आपके पास भी कोई टिप है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी पूनम आपसे फिर मिलेगी एक नए वीडियो और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।